हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइन स्टडी में। और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा हाई पे और जेपीएससी की ये पोस्ट है तो मैं उसकी वीडियो लेके आया हूँ। अंतिम तिथि आप देख लो कि 30/6/2020 यानी कि 30 जून 2020 ही है, तो आप फॉर्म जल्दी से भरवा लो। किसी का अगर एक्सपीरियंस है इस पोस्ट के अकॉर्डिंग तो आप उससे फॉर्म भरवा लेना। ऐसा नहीं कि मैं हर कैटेगरी वाइज यानी कि 13 से 17 के एज के हैं या 18 से 24 के हैं या 25 से 34 के हैं या 35 से 40 के हैं या 50 के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। जो वैकेंसी आ रही है मैं उसकी वीडियो एवरी डे अपलोड करता हूँ। अगर यदि आपको एवरी वीडियोज की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आप सैनी स्टडी नाम से, तो आपको सारी मिल जाएगी वीडियोज की PDF वहाँ पे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और आप वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हो। हमारी चैनल की एक डिस्कस भी ग्रुप है एक टेलीग्राम में, वहाँ पे लोग हैं मेंबर्स और भी सारे, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एवरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। चलो यहाँ पे देखो कि झारखंड राज्य के 4 जो यूनिवर्सिटी है ना उसमें गैर शैक्षणिक साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों में से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे अंतिम डेट 30/6/2020। अब देखो कि यहाँ पे क्या क्या पोस्ट है, रजिस्ट्रार का, फाइनेंस ऑफिसर का, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। पोस्ट कोड देखो आप सारे का और वर्ष वेतन आप देख लो, सैलरी देख लो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है सो। और ग्रेड पे आप खास करके देखो, यहाँ पे 10,000 है दोस्तों, यहाँ पे ग्रेड पे इतनी ज़्यादा नहीं मिलते, तो ये जेपीएससी की पोस्ट है, आप ये भी देख लो, एक्सपीरियंस भी मांगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, द मिनिमम रिक्वायरमेंट 55% एज मेंशन इन पैरा 3 शैल नॉट बी इंस्टेड अपॉन फॉर स्टार फॉर द एग्जिस्टिंग इनकम पर्सन हु आर ऑलरेडी इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम। आप देखो कि यहाँ पे पहले से यूनिवर्सिटी सिस्टम में हो 55% रिक्वायरमेंट चाहिए यहाँ तो मिनिमम, तो उनके लिए यहाँ पे ये थोड़ी सिस्टम अच्छी नहीं लग रही है, इनका बेस्ट है। बट द अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार कंट्रोलर एग्जामिनेशन एंड फाइनेंस ऑफिसर शैल ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर ए टेन्योर ऑफ 4 ईयर विच मे बी एक्सटेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द सिंडिकेट फॉर फर्दर 4 ईयर्स ओनली। यानी कि देखो आप 4 साल के लिए आप लिए जाओगे सिलेक्शन में, पहले से आप सिस्टम में हो, कोई यूनिवर्सिटी में हो आप। और यहाँ पे टोटल सीट देख लो, टोटल सीट यहाँ पर रजिस्ट्रार की 2 ठो है और यहाँ पे मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में 1 ठो पोस्ट, कोल्हान कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद में 1 ठो पोस्ट है। आप फाइनेंस ऑफिसर की देख लो, आप 2 पोस्ट है उसमें से आपकी यहाँ पे कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में 1 पोस्ट है और मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की देखो आपकी 1 ठो मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में है, कोयलांचल यूनिवर्सिटी में भी, धनबाद में भी है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में भी है, तो यहाँ पे 3 पोस्ट हो गई। अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार की देख लो आप, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यहाँ पे 7 पोस्ट है और यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी दिए हुए हैं, मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा और यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू, तो यहाँ पे सारे में इसमें 2 पोस्ट, 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 2 पोस्ट, 7 पोस्ट टोटल है। नेक्स्ट देखो आप कि क्या एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी यहाँ पे ये है कि ये मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए 55% मिनिमम में और ग्रेड बी इन द UGC 7-point स्केल ये आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, और एटलीस्ट 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरार और 6 ईयर एक्सपीरियंस एज ए एसोसिएट प्रोफेसर, और या तो ये आप रहो, या तो ये एक्सपीरियंस चाहिए, या तो रीडर और एज ए प्रोफेसर अलॉन्ग विथ एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट, या तो आप ये रहो, या तो कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एंड और अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, या तो आप ये अर्हता पूरी करो, या तो एटलीस्ट ये 15 ईयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस ऑफ विच 8 ईयर एज ए डेप्टी रजिस्ट्रार और एन इक्विवेलेंट पोस्ट, आप ये तो ये एलिजिबिलिटी रखो, आप भर सकते हो। फाइनेंस ऑफिसर और कंट्रोलर एग्जामिनेशन सारी में आपको मास्टर डिग्री चाहिए, 55% मिनिमम वहाँ पे चाहिए और ग्रेड बी जैसी जो 7-point स्केल है उसके अकॉर्डिंग आपको एलिजिबिलिटी रखनी पड़ेगी। और एक्सपीरियंस देखिए दोस्तों, 15 ईयर की सारी में चाहिए, सेम एक्सपीरियंस सारी में चाहिए, तो यहाँ पे आप नोट कर लो। और यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए है यहाँ पे कि आप
गुड एकेडमिक रिकॉर्ड प्लस मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन यूजीसी 7 पॉइंट्स के लिए सेम है, बट एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है सो कम है, 5 ईयर की है, 5 ईयर वाली है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, आप कहीं भी ऐसे जितने भी यहाँ पे दिए हुए इंस्टीट्यूट, आप पहले से वर्किंग में हो तो आप एक्सपीरियंस 5 ईयर की रखते हो, 5 ईयर की, तो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ की स्केल देखो, अभी जो बता रहे थे 7 पॉइंट स्केल यूजीसी गाइडलाइन की, तो यहाँ पे देखो कि ऐसे स्केल है आपकी, परसेंटेज आपकी अगर दी होती है ना 55% मिनिमम जो अभी बता रहा था, तो बी यहाँ पे स्केल जो बता रहा था कि ग्रेड होना चाहिए, तो आपकी इतनी तो होनी ही चाहिए, ये जो है ना इतनी होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं चलेगी, इससे अब है तो बहुत अच्छी बात है। और अनुभव तो अभी अभी बताया है कि आपको 15 ईयर की होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो जो इंटरव्यू होने वाली है डायरेक्ट इस बहाली की, ओनली इंटरव्यू से ये पोस्ट मिलने वाली है, तो ये इंटरव्यू होने वाली है 1/8/2020 को। और यहाँ पे आपकी कि जितने भी पोस्ट है ना, कुल सचिव वित्त पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक पद के लिए आपकी आयु जो है 55 वर्ष से कम वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी, ठीक है। और कुल सचिव वित्त पदाधिकारी परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुल सचिव पद के अभ्यर्थियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की होगी। तो आप देखो कि 55 से कम तक की ठीक है, वहाँ पे आप भर सकते हो, और आपकी जो सेवानिवृत्ति है उनमें से आपको 60 वर्ष तक आपको जॉब करने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। आरक्षण का लाभ आप देखो, यहाँ पे ये था कि ये पोस्ट है इंडिया के कोई भी व्यक्ति जो है भर सकते हैं, बट यहाँ पे आरक्षण जो है झारखंड के, केवल झारखंड के राज्य के निवासी जो हैं उन्हें मिलने वाली है। इस प्राप्तांक के अनुसार 1754 और दिनांक 25/2019 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे प्रस्तुत करनी होगी, और आप जाके जो जेपीएससी की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे आप इस आयोग वाली जो योजना निकल चुकी है और पोस्ट निकल चुकी है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। और ये अभी बहुत लोगों को लगा कि ये क्यों बता रहे हो आप, तो यहाँ पे है कि अगर यदि लॉकडाउन में किसी को लग रहा है कि मुझे चेंजेज करने, या किसी का होम टाउन हो या यूनिवर्सिटी और कहीं दूसरे जगह पे अभी हो, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की, ये जॉब जो है बहुत सारे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। तो मैं चाहूँगा कि आप अगर यदि कोई देख भी लें वीडियो को, और जिनके लिए नहीं हो पा रहा है तो आप ज़रूर शेयर कर दें वीडियो को जिनके लिए हो पाएगा ये पोस्ट। तो थैंक यू दोस्तों इसके लिए और वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करो, ग्रुप डिस्कशन जो है कि वहाँ पे सारी वीडियोज़ की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और वहाँ पे जनरल नॉलेज और सारी चीज़ की पीडीएफ भी मिलते रहती है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स की भी क्वेश्चन सारी भी डिस्कस होते रहती है। थैंक यू दोस्तों।